जिस मंगलकारी योग में जन्मे थे हनुमान जी, इस बार 23 अप्रैल को बन रहा है वैसा ही संयोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोक्ष पर। चैनल पर आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम अक्सर साझा करते रहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन त्रेता युग की तरह अंजनी पुत्र के जन्म जैसा मंगलकारी संयोग बन रहा है। जी हाँ, चैत्र पूर्णिमा पर संकट मोचन का प्रिय दिन मंगलवार रहेगा। स्वाति नक्षत्र के साथ साहस, बल और पराक्रम का प्रतीक ब्रज योग बनेगा। ज्योतिष विदों के अनुसार शास्त्रों में राम भक्त का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन होना बताया गया है। जी हाँ, अब ये मंगलकारी संयोग बन रहे हैं जो, इनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पूर्णिमा तिथि मंगलवार को तड़के 3:25 से बुधवार तड़के 5:18 तक रहेगी। ज्योतिष के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार को है। पौराणिक कथा के अनुसार उनका जन्म मंगलवार को हुआ था, इसीलिए इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। मीन राशि में पंचग्रही योग बन रहा है। मेष राशि में बुधादित्य, कुंभ राशि में शनि, शश राजयोग का संयोग बनेगा। जी हाँ, ज्योतिषों के अनुसार पवन पुत्र शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जन्मोत्सव पर उन्हें सिंदूरी चोला, बूंदी के लड्डू, पान का बीड़ा चढ़ाएं, चमेली के तेल का दीपक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। कहते हैं जहाँ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण पाठ होता है, वहाँ पर बजरंगबली वायु रूप में उपस्थित होते हैं। गरीबों में अन्न बांटने से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर इस बार रणजीत हनुमान मंदिर में भगवान को काठियावाड़ी पोशाक पहनाई जाएगी। जी हाँ, ऐसे कुछ योग बन रहे हैं और यही सब आपको देखने को मिलेगा इस बार हनुमान महाउत्सव पर। तो आप क्या चढ़ाएं हनुमान जी को, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक बार फिर से याद दिला देते हैं आपको कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या उन पर चढ़ा सकते हैं, उनको क्या क्या पसंद है। जी हाँ, आप उनको बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, सिंदूरी चोला चढ़ा सकते हैं और बान का बीड़ा भी चढ़ा सकते हैं। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप तुरंत मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम अक्सर साझा करते रहते हैं, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना पाए।